जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो कुछ ऐसे बुद्धिजीवों के ऊपर है जो रामायण काल के अस्तित्व को झुटलाते हैं, उसे काल्पनिक मानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि रामायण कोई झूठी रचना नहीं है बल्कि 100% सत्य है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे साक्ष्य जो रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं वहीं कुछ इसे सत्य भी मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यताओं को और पुष्ट करता है। रामायण को आज के जमाने में कई लोग शक की निगाह से देखते हैं। कई लोग हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास को झुटलाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ तक कि आज का हिंदू युवा भी पौराणिक कथाओं को संदेह की दृष्टि से देखता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर उन साक्ष्यों के बारे में बताएंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि रामायण कोई झूठी रचना नहीं है। पहला सबूत, रावण का महल। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल के अवशेष अभी भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ स्त्री वही सुनी निशिचर नारी। अर्थात लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पुनः राम के पास जा रहे थे तो उनकी महागर्जना सुनकर राक्षस स्त्रियों का गर्भपात हो गया था। दूसरा सबूत, हनुमानगढ़ी। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया। साथ ही यह अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान का दर्शन पूजन करना होगा। तीसरा सबूत, हनुमान जी के पदचिन्ह। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, इसलिए जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे जो आज भी वहां मौजूद है। चौथा सबूत, द्रोणागिरी। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाद ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जा रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणगिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणगिरी को यथा स्थान पहुंचा दिया। उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। आखिरी और सबसे अहम सबूत, राम सेतु। रामायण और भगवान राम के होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा है और इसकी खोज भी की जा चुकी है। ये सेतु पत्थरों से बना है और ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। भगवान राम के होने की बात खुद पुरातत्व विभाग भी मानता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार 17,50,000 साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है और राम सेतु भी उसी काल का है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल को पैदल पार किया जा सकता था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम की दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कोई भी नहीं कर सकता और उसे चुनौती नहीं दे सकता। तो ये थे रामायण काल के कुछ ऐसे सबूत जो ये साबित करते हैं कि रामायण कोई झूठी रचना नहीं है। अगर अभी भी कोई बुद्धिजीवों को ऐसा लगता है कि रामायण झूठी रचना है तो उनके लिए गूगल बाबा सबसे सही है। वो गूगल बाबा पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।